हेलो दोस्तों, तो शाहरुख की जवान ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि आने वाली मूवीज के लिए एक चैलेंज की तरह है। लेकिन जवान के पीछे भी काफी ऐसी बिहाइंड द सीन बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जवान के कुछ बिहाइंड द सीन्स फैक्ट्स की। जवान के डायरेक्टर एथली ने इस मूवी के कॉन्सेप्ट और स्टोरी को साल 2019 में ही बनाना शुरू कर दिया, जब वो अपनी बिगिल मूवी को बनाकर बस फ्री ही हुए थे। लेकिन फिर 2020 में आ गया कोरोना और उन्होंने ये कहानी शाहरुख को जूम कॉल पर सुनाई और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझाया। इस मूवी का टाइटल जवान अपने आप में मूवी की थीम को ही जस्टिफाई करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका पहले नाम कुछ अलग था और अगर वो टाइटल होता तो ये मूवी की थीम के साथ शायद मैच ही नहीं कर पाता, क्योंकि इस मूवी का पहले टाइटल सनकी होने वाला था, लेकिन मूवी की मेकिंग के दौरान ही इसके टाइटल को चेंज कर दिया गया जवान में। वैसे तो इस मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट को एथली ने ही तैयार किया था, लेकिन उसको और एक्सप्लोर करने में हेल्प की थी तमिल डायरेक्टर रामना गिरवासन ने, जिनके साथ एथली ने जवान को मिलाकर पूरे 4 मूवीज की स्टोरी को बनाया है। साथ ही इसके आइकॉनिक और मासी डायलॉग लिखने में हेल्प की थी राइटर सुमित अरोड़ा ने, और उन्हीं ने बेटे से पहले बाप से बात कर वाला डायलॉग भी लिखा है। मूवी के विलन विजय सेतुपति ने काली का कैरेक्टर प्ले करके शाहरुख के कैरेक्टर को बेहतरीन ढंग से टक्कर दी है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि उनसे पहले यहां विलन के रोल के लिए राणा दिगुप्ती से बात की गई थी, लेकिन राणा दिगुप्ती ने इस रोल को मना कर दिया अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से। बात करें इस मूवी में कैमियो की, जो कि काफी सारे होने वाले थे, जिनमें से एक कैमियो तो फैंस का फेवरेट होता और ये कैमियो होता अल्लू अर्जुन का, लेकिन पुष्पा 2 की शूटिंग के दौरान काफी बिजी शेड्यूल होने के वजह से उन्होंने जवान के अंदर आने से मना कर दिया। ये मूवी एक एक्शन मूवी थी जिसमें इसके एक्शन और स्टाइल सबको पसंद आए थे, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि इसके एक्शन सीक्वेंस के लिए दुनिया भर के 6 अलग अलग बड़े एक्शन डायरेक्टर को हायर किया गया था, जिसमें कैप्टन अमेरिका और कॉन्ग स्कल आइलैंड जैसी एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करने वाले स्पायरो राजाटोस और ट्रांसपोर्टर 3 डंकर्क और टाइगर जिंदा है जैसी मूवी के एक्शन क्रिएट करने वाले यानिक बेन भी शामिल थे। साथ ही अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एक्शन कोरियोग्राफी करने वाले ग्रेग मैग्वायर को भी इसमें हायर किया गया था। अब जवान की शूटिंग की बात करें तो इसकी शूटिंग इंडिया के काफी सिटीज पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और राजस्थान के अंदर हुई है। इसके आइकॉनिक सीन जो कि मेट्रो का है, उसको पुणे के संत तुकाराम मेट्रो स्टेशन पर शूट किया गया था, जो शूटिंग करीब अगस्त 2021 से सितंबर 2021 तक चली थी। इसके बाद हैदराबाद में ही जून 2022 में इसकी 10 दिन तक शूटिंग चली थी। इसके बाद नयनतारा ने जून 2022 के बाद से जवान की शूटिंग को शुरू किया था। बाकी दीपिका के कैमियो को चेन्नई में शूट किया गया था, जहां करीब करीब मूवी के सारे बड़े एक्शन और आइकॉनिक सीन को शूट किया था, और लास्ट में 20 दिन की शूटिंग राजस्थान में की गई थी। जवान के वैसे तो सारे सॉन्ग ही अच्छे हैं, लेकिन जिंदा बंदा सेलिब्रेशन से भरा आइकॉनिक बन गया है, लेकिन इसकी शूटिंग भी बड़े लेवल पर की गई है। इस सॉन्ग को चेन्नई में 15 करोड़ के बनाए सेट पर शूट किया गया था। साथ ही इसके अंदर 3000 डांसर्स को भी पीछे बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया है और इस ग्रैंड सॉन्ग को शूट करने में भी करीब 5 दिन का टाइम लगा था। वैसे तो जवान को इस साल 2 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसके VFX के काम में देरी की वजह से इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया, जहां इसके पूरे पोस्ट प्रोडक्शन की स्टार्टिंग इस साल जनवरी 2023 से हो गई थी, लेकिन ये टाइम पर खत्म नहीं हो पाया और शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज ही इसका VFX वर्क कर रही थी, लेकिन बॉलीवुड के और प्रोजेक्ट भी उन्होंने ले रखे थे, जिसकी वजह से फाइनली काम पूरा टाइम पर नहीं हो पाया। साउथ की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली नयनतारा का ये पहला बॉलीवुड डेब्यू था, जो कि इससे पहले तमिल, तेलुगु और मलयालम में ही काम करती थी, लेकिन फिर भी नयनतारा ने हिंदी के लिए खुद की वॉइस दी है, लेकिन तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए एक्ट्रेस दीपा वनकेट को हायर किया गया नयनतारा की वॉइस के लिए। इसके अलावा दीपिका के कैरेक्टर के लिए रवीना रवि ने तमिल और तेलुगु वर्जन को डब्ड किया था और मूवी के लीड स्टार शाहरुख के लिए तमिल एक्टर शेखर आरआर ने अपनी आवाज दी है। अब इसकी रिलीज की बात करें तो 7 सितंबर को इसे थिएट्रिकल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था HDR फॉर्मेट में। साथ ही जवान पहली इंडियन मूवी भी है जो कि दुनिया के सबसे बड़े IMAX स्क्रीन लियनबर्ग जर्मनी में रिलीज हुई थी। साथ ही जवान को दुनिया भर के 10,000 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था। इसकी पॉपुलैरिटी इस कदर है कि नेटफ्लिक्स ने इसके OTT राइट्स के लिए 250 करोड़ यानी 250 करोड़ की डील की है।
और लास्ट में बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो हिंदी में ही इसके पहले दिन की ओपनिंग 70 करोड़ थी और बाकी इसके और लैंग्वेज में भी करीब उसी दिन 10 करोड़ की कमाई हुई थी। और अगर उसमें ओवरसीज की कमाई को जोड़े तो ये एक दिन का कलेक्शन 129 करोड़ तक पहुँच जाता है। इसके बाद तो इसने जो रफ्तार बनाई है तो ये हिंदी की सबसे फास्टेस्ट 500 करोड़ कमाने वाली मूवी बन गई है। अब ऐसी कमाऊ मूवी के सीक्वल को कौन नहीं बनाना चाहेगा। तो एटली ने रिलीज के कुछ दिन बाद ही इसके फ्यूचर प्लान्स को रिवील कर दिया है कि वो इसके सीक्वल को बनाएंगे और साथ ही इसकी स्पिन ऑफ विक्रम राठौर पर भी मूवी बनाएंगे। और जिस तरह का इसका अभी तक का रिस्पॉन्स है उससे ये अब एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बनने की ओर बढ़ रही है। बाकी फ्यूचर अनाउंसमेंट देखते हैं कब होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं सिनेमा एंड पॉपकॉर्न। टिल देन बाय।